हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे LHB कोच में लगा डिस्क ब्रेक कैसे काम करता है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि डिस्क ब्रेक की वर्किंग आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए। दोस्तों इंडियन रेलवे की LHB कोच में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम का यूज किया जाता है जो कि फिएट टाइप बॉगी में यूज किया जाता है। दोस्तों ऐसे ब्रेकिंग सिस्टम में एक एक्सल में दो डिस्क 640 mm के डाया वाले होते हैं जिसके ऊपर ब्रेक कैलिपर माउंट होता है। दोस्तों यह ब्रेक कैलिपर ब्रेक सिलेंडर से जुड़ा होता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। यहाँ सारी चीजों को अच्छे से दिखाया गया है। दोस्तों LHB कोच का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम ICF कोच के जैसे एयर के प्रेशर से ही काम करता है, बस उसके मैकेनिज्म में थोड़ा डिफरेंस होता है। जिस तरह से ICF कोच में एयर का प्रेशर जो है 4 kg का मेंटेन किया जाता है, जब जब वो प्रेशर मेंटेन रहेगा तब मेरा ब्रेकिंग सिस्टम रिलीज रहेगा। जैसे जैसे हम प्रेशर को ड्रॉप करते जाएंगे तो मेरा ब्रेक शूज जो है व्हील से चिपकते जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं, ये इस डायग्राम में जो है LHB कोच के डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम को दिखाया गया है। यहाँ पर इसके जो कंपोनेंट, मतलब कि जो जो यहाँ पर पार्ट्स लगे हुए हैं उसके बारे में सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है एक्सल है या शाफ्ट है, और शाफ्ट में ये देख सकते हैं डिस्क, जो ब्रेक डिस्क है ये कनेक्ट है। ये लाइनिंग देख रहे हैं, लाइनिंग जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख रहे हैं, ये होल दिखाया गया है। होल इसलिए बनाया जाता है कि जब ब्रेकिंग मेरा काम करे, ब्रेक पैड जो है उससे टच हो तो हीट जनरेट होती है, तो हीट इस होल से होके पास हो जाते हैं जिससे कोई सामान जो है डैमेज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर होल दिखाया गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्क हो गया, इसके ऊपर जो है डिस्क के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्रेक कैलिपर, इसको बोलते हैं। ये पूरा सिस्टम ब्रेक कैलिपर है जो कि ब्रेक सिलेंडर से कनेक्ट होता है। और यहाँ पर ये जो रेड देख रहे हैं इसे ब्रेक पैड बोला जाता है। यहाँ पर ये आप इसके आगे जो है व्हील कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर दो सिस्टम सेम दो चीज़ों को दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम बारी बारी से दोनों कंडीशन को समझेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब जो कंप्रेसर है मेरा, कंप्रेसर जो है एयर को कंप्रेस करके 4 kg का प्रेशर मेंटेन करता है। तो ये 4 kg का प्रेशर जो है ब्रेक सिलेंडर में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन से दिखाया गया है, ब्रेक सिलेंडर में 4 kg का प्रेशर आता है। जैसे ये 4 kg का प्रेशर इस सिलेंडर में आएगा तो यहाँ पर ये जो ब्रेक कैलिपर है, ये ब्रेक कैलिपर जो है ये इधर नीचे की ओर पुश करेंगे, जिसके कारण ये बाहर की ओर उठे रहेंगे। मतलब कि ये जो डिस्क है, यहाँ पर ब्रेक डिस्क है, इससे ये जो ब्रेक शूज है या ब्रेक पैड है इससे कनेक्ट नहीं होंगे। जितना जब तक ये प्रेशर मेंटेन रहेगा, इसको प्रेस करके रखे रहेंगे, तब तक ये यहाँ पर क्या रहेंगे, इसे बाहर रहेंगे। जब हमें ब्रेक अप्लाई करना होता है तब हम इस ब्रेक सिलेंडर से एयर के प्रेशर को ड्रॉप करते हैं। तो जैसे जैसे एयर का प्रेशर ड्रॉप होगा, यानी एयर का प्रेशर इसमें से कम होगा, तो ये जो है ब्रेक कैलिपर इसको इधर की ओर पुश करने लगेंगे और ये दोनों जो है ब्रेक पैड इस ब्रेक डिस्क से जाके चिपक जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम कर रही है। मतलब कि एयर के प्रेशर से ही ये ब्रेक कैलिपर में लगा जो ये पिस्टन है, पिस्टन आगे पीछे होने से ये ब्रेक पैड जो है ब्रेक डिस्क से जाके चिपक जाते हैं, जिससे मेरा ब्रेकिंग जो है अप्लाई हो जाता है। और जैसे ही हम इसमें फिर से एयर का प्रेशर मेंटेन करेंगे तो इसको जो है इस तरह से बाहर की ओर छोड़ देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये ऐसे कैसे, मतलब कि ब्रेकिंग सिस्टम किस तरह से काम कर रही है। दोस्तों इस तरह से डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम के बहुत सारे फायदे हैं। डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम से व्हील की लाइफ इंक्रीज हो जाती है, जबकि ICF कोच में ब्रेक शूज डायरेक्ट व्हील से कनेक्ट होते हैं, इसलिए व्हील की लाइफ कम हो जाती है। डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम में फ्रिक्शन कोफिशियंट इंक्रीज होता है, जिसके चलते ब्रेकिंग अच्छे से काम करती है। दोस्तों डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम में ट्रेन को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जाता है। इसमें से 18 कोच वाली ट्रेन अगर वह 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही हो और उसमें डिस्क ब्रेक अप्लाई किया जाए तो वह 1000 मीटर की दूरी तक जाते जाते रुक जाएगी, जबकि ICF कोच में 2 से 3 किलोमीटर जाने के बाद रुकेगी। दोस्तों इसके एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिस्क ब्रेक में ब्रेक बार बार अप्लाई करने से डिस्क क्रैक हो सकते हैं। दूसरा है कि इनका मेंटेनेंस बहुत क्रिटिकल होता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि रेलवे के LHB कोच में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।